20 तारीख को, 20 दिसंबर को जमा मस्जिद के की सीढ़ियों से, उन्हीं सीढ़ियों जिस जहाँ से अब्दुल कलाम आजाद साहब ने जो है देश के अंग्रेजों, जब अंग्रेज बंटवारा करते उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वहीं से इस मुल्क के दोबारा जो बंटवारा हो रहा है उसे रोकने के लिए जुमे की नमाज के बाद वहीं से शुरू किया जाएगा मार्च। बाबा साहब का संविधान जिसे हम बचाने के लिए निकले हैं और बाबा साहब की तस्वीर को लेके मैं मार्च करूंगा वहां से और काली पट्टी बांध के जंतर मंतर में। मुझे ये भी पता है कि ये हमारे उस मार्च को रोकने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया उसको समर्थन कर रही है, पूरी दुनिया उसे देख रही है, उसे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। इनकी लाठी और गोली से हम लोग नहीं डरते, ये मार दे शहादत कबूल करेंगे, अपने मुल्क अपने सामने अपने मुल्क को बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। ये मुल्क हम सब लोगों का है, आज मुस्लिम भाइयों को पीटा जा रहा है, कल सिखों का नंबर है, फिर दलितों का है, फिर पिछड़ों का है और फिर उन लोगों का जो इन लोगों के सपोर्ट में वो सेकुलर लोग खड़े हैं। अमित शाह जी ने जो गलती की है उसको स्वीकार करें, इस्तीफा दें और शर्म आनी चाहिए उन्हें कि इस देश के संविधान की वजह से वो गृहमंत्री बने, उसको काटने तोड़ने काम जो कर रहे हैं, टू नेशन फॉर्मूला लागू करने काम कर रहे हैं, जो सावरकर के आइडियोलॉजी को फॉलो करने काम कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी बंटवारा तो अब नहीं होगा। हम सब लोग अपने लोगों के साथ खड़े हैं, कोई यहाँ अकेला नहीं, पूरा मुल्क इसको सपोर्ट कर रहा है। सरकार को समझ जाना चाहिए, जिस बिल को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही वो उसको वापस ले।